और पिछले 10 साल से कहीं ना कहीं वो दावेदार थे टिकट के, लेकिन उन्होंने कभी टिकट के लिए काम नहीं किया। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये थी कि बंसल साहब को टिकट की दावेदारी करनी ही नहीं चाहिए थी, उनको पार्टी को कहना चाहिए था किसी को भी टिकट दो, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको ये सीट जीत के दूंगा। लेकिन तिवारी साहब को टिकट मिली है तो मेरे को तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। पहले मैं थोड़ा डाउटफुल था, लेकिन अब मैं कंफर्म हूँ कि मोदी जी 400 पार कर गए। चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस बार शहर में लोगों का स्थानीय सीट से किस पार्टी की ओर झुकाव है, इस विषय पर शहर के विशिष्ट नागरिकों से राय ली जा रही है। इसी कड़ी में शहर के जाने माने समाज सेवक एवं शास्त्री मार्केट सेक्टर 22 के प्रधान मुकेश गोयल से अर्थ प्रकाश टीवी की एक खास मुलाकात। संजय टंडन जी शहर में एक बहुत बड़ा नाम है, तकरीबन शहर का हर निवासी उनको जानता है, कुछ उनका अपना रसूख है और बाकी उनके पिताजी स्वर्गीय बलराम जी दास टंडन जी का प्रभाव। तो ऐसे में कांग्रेस द्वारा पवन कुमार बंसल को टिकट ना देना और मनीष तिवारी जी को टिकट दे देना, इस बात को कहां तक प्रभावित कर पाएगा लोकसभा चुनाव को? मैं पहले आपकी पहले वाली बात का जवाब देता हूं। टंडन साहब का जो रसूख है, उनकी 10 साल की मेहनत है चंडीगढ़ के अंदर। आप सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो कि उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर बीजेपी पार्टी को नंबर वन लाने के लिए कितनी मेहनत की है, और पिछले 10 साल से कहीं ना कहीं वो दावेदार थे टिकट के, लेकिन उन्होंने कभी टिकट के लिए काम नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने पूरा 100% बीजेपी को दिया, शहर की जनता को दिया। वो किसी पद पर थे चंडीगढ़ में या नहीं थे, लेकिन मैंने पर्सनली देखा है कि उनके घर कभी भी चले जाओ तो 20 से 50 लोग हमेशा बैठे होते थे, जिनकी सिंगल सिंगल आदमी की बात वो सुनते थे और अपने लेवल पे जो जिसका काम हो सकता था करवाते थे। इस कारण से ना उनको चंडीगढ़ की जनता की सिंगल सिंगल प्रॉब्लम पता है और वो कैसे रिजॉल्व होगी ये पता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा शहर की जनता की तरफ से, जो उन्होंने शहर के लोगों की पुकार सुनी और लोकल कैंडिडेट दिया चंडीगढ़ को, जिसकी जनता की डिमांड थी, और लोकल कैंडिडेट ऐसा दिया जो सारे शहर को बहुत प्यारा है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाहे कांग्रेस टिकट बंसल साहब को देती चाहे तिवारी साहब को देती, जीतना तो टंडन साहब नहीं था, क्योंकि लोग मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ साथ उन्होंने कैंडिडेट ऐसा दे दिया जो उनका फेवरेट कैंडिडेट है, और उनको पता है कि रात को 12 बजे भी हम इनको फ़ोन करते हैं तो उसका रिप्लाई मिलता है। और बंसल साहब को टिकट देते तो नो डाउट कि कहीं ना कहीं बंसल साहब का 30 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्शन लड़ने का, चाहे वो 2 बार हारे हैं लगातार, तो पार्टी इन पर दाव नहीं खेलना चाहती थी क्योंकि उनकी एज भी हो चुकी थी। और अगर मेरी आप पर्सनल ओपिनियन लेना चाहें तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये थी कि बंसल साहब को टिकट की दावेदारी करनी ही नहीं चाहिए थी, उनको पार्टी को कहना चाहिए था आप किसी को भी टिकट दो, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको ये सीट जीत के दूंगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अगर बंसल साहब को पार्टी टिकट देती तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फाइट करनी पड़ती। लेकिन तिवारी साहब को टिकट मिली है तो मेरे को तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने सीट बीजेपी की झोली में डाल दी, क्योंकि तिवारी साहब चंडीगढ़ में रहते हैं, मैं भी बाय बर्थ चंडीगढ़ से हूँ, और मुझे नहीं लगता कि शहर की 60% जनता तिवारी साहब के बारे में जानती है, क्योंकि कभी वो लोकल रहे ही नहीं, ना लोकल कभी लोगों से मिले ना लोग उनसे मिले। तो ठीक है, उनका पार्टी के नाम पे रसूख है, तो बाकी तो भगवान की इच्छा है, होना वो है जो प्रभु चाहता है। लेकिन हमारी मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये सीट भगवान कांग्रेस पार्टी ने टंडन साहब की झोली में डाल दी है। गोयल साहब, आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, साथ ही साथ आपका सोशल वर्क में भी दखल है और राजनीति में भी आपकी अच्छी पकड़ है। एक चीज शायद आपने नोट की होगी कि इन दिनों आम आदमी पार्टी को हायर लेवल से इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कोई बयान नहीं दे रहे, कोई सभा नहीं कर रहे, ये चीजें किस ओर इशारा करती है? क्या कहीं वो नामांकन पत्र भरने का जो समय काफी लेट है, अलग से लड़ने का विचार तो नहीं कर रहे सर? सर, ये पार्टी ऐसी है, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है, अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता होता कि कल हमने क्या करना है।
और जहां तक मैंने ये सारा स्कैम इनका समझा है तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बेवकूफ बनाना था, वो बना दिया। और जो मेरी अपनी ओपिनियन या सिक्स सेंस कहती है वो 100% यहाँ से अपना दावेदार खड़ा करेंगे, क्योंकि उनको जो चाहिए था कांग्रेस से उन्होंने कांग्रेस को यूज़ करके अपना मेयर बनाना था बना लिया, सो कॉल्ड मेयर बना लिया। बाकी दो सीटें उन्होंने कांग्रेस को कहा था दिलवाएंगे, वो दोनों बीजेपी को दिलवा दी। तो आप सब समझ सकते हैं कि इनकी क्या मेंटेलिटी है। और जिस आदमी को यही नहीं पता कि मैंने आज क्या बोला और सुबह मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। ठीक है गोयल साहब, आप चूंकि सोशल वर्कर हैं, लगभग 150 जो आदमी हैं डेली आपसे मिलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त शहर में हवा किस तरफ की है। सर इस समय तो वन साइडेड बीजेपी है, सिर्फ हमारे शहर में नहीं पूरे देश में। और पहले मैं थोड़ा डाउटफुल था, लेकिन अब मैं कंफर्म हूँ कि मोदी जी 400 पार कर गए। ठीक है जी, लेकिन गोयल साहब एक चीज और देखने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया लगभग हर व्यक्ति यूज कर रहा है, चाहे अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, बच्चा है, कामकाजी है, स्टूडेंट है, इवन के हाउसवाइफ भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। तो चंडीगढ़ एक स्पेशल शहर है, भारत का पहला प्लान शहर है और यहाँ 100% लिटरेसी है। चंडीगढ़ के कुछ अपने मुद्दे हैं, अभी पिछले दिनों अखबारों में काफी सुर्खियां उठती रही हैं जो चंडीगढ़ के मसले हैं। तो मेरे ख्याल से कैंडिडेट कोई भी हो, चंडीगढ़ से किसी भी पार्टी का हो, उसके लिए ये रहा जो डगर है, ये चुनावी डगर मेरे ख्याल से कांटों भरी होगी। नहीं ऐसा नहीं है, इसमें ना टंडन साहब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप उनके पास जाएंगे ना तो उन्हें पता है कि आप किस लिए आए हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है। नॉट ओनली शहर के, उनको पर्सनली इंसानों के मुद्दे बताए भी इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और इसीलिए ना जब से टंडन साहब की टिकट हुई, अनाउंस हुई है चंडीगढ़ के अंदर, लोगों के अंदर इतना उत्साह है। हम कहीं भी जाते हैं, मैं रिक्शा वाले से पूछता हूँ, ऑटो वाले से पूछता हूँ, रेडी मार्केट में जाके पूछता हूँ, भैया क्या लग रहा है, कहते टंडन साहब। तो एक ना अलग सा उत्साह है। और मुझे तो इस बार ये लग रहा है कि शायद चंडीगढ़ की रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। वेल साहब आपका आकलन सही होगा ये मेरा मानना है, लेकिन आप शायद मेरा सवाल समझे नहीं जी। मैं प्रशासनिक कामों की बात कर रहा हूँ, जो मेन फंडे हैं, एक तो बहुत ही ज्यादा उछल के जो मुद्दा सामने आ रहा है, पेरिफेरी के जो गांव हैं जो निगम के अंदर आ चुके हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, वो नोटा डालने, नोटा को वोट करने की कर रहे हैं। उसके बाद फिर पूरे शहर में अंदरूनी और बाहरी हिस्सों में लगभग 22 रिहैबिलिटेशन कॉलोनीज हैं, उनका अपना मालिकाना हक का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज वो नाराज चल रही हैं, अखबारों में इन सब की नाराजगी, लगभग सभी अखबारें भरी पड़ी हैं। मैं ये पूछ रहा था जी कि क्या ये टंडन साहब जीतने के बाद ये सारे मसले हल कर पाएंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी बीमारी है, जब तक हमें उस डिसीज का पता नहीं होगा ये डिसीज क्या है, तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते। और टंडन साहब के अंदर ये क्वालिटी है कि उनको पता है भी शहर के क्या क्या मुद्दे हैं। शायद आप और मेरे को कम पता होंगे, हमसे ज़्यादा उनको पता है, क्योंकि उनके पास डेली 50-100 लोग आके अपनी समस्या लेके आते हैं। तो जो लोकल लेवल पे सॉल्व रिजॉल्व हो सकते हैं, और वो तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि रिजॉल्व होंगे। और जो सेंटर से जुड़े हुए हैं उसके अंदर आज तक जो एफर्ट्स नहीं हो पाए, ये श्योरिटी है कि वो 100% एफर्ट्स करेंगे और उसको रिजॉल्व करवाएंगे। क्योंकि जब से मैं उन्हें जानता हूँ, मैं इतने पॉलिटिशियन से मिलता हूँ, इतने नेताओं से मिलता हूँ, जितना टाइम जितना वरिड वो अपने लोगों के लिए रहते हैं, मैंने किसी और नेता को नहीं देखा। ठीक है सर। अच्छा, इनमें से एक मुद्दा ये भी है कि चंडीगढ़ के जितने भी शास्त्री मार्केट्स हैं, जो सिंगल स्टोरी बूज हैं, उनकी अपनी डिमांड है कि प्रशासन जो चार्ज करना चाहे वो हमारे से चार्ज कर ले, हमें इसके ऊपर एक मंजिल और बनाने दी जाए। और ये आप भी इसी बूथ में बैठे हैं सर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि हमारा शहर ना एक खूबसूरत सिटी है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको स्मार्ट सिटी के अंदर डाला था शहर को। तो उस मामले में मैं ये चाहूँगा कि जो लोगों के हित में होगा, मैं तो चाहूँगा कि मेरा बूथ शोरूम बन जाए,
लेकिन वो तो अनलॉजिकल बात है। जो लोगों के हित में होगा वो 100% होगा और उसके लिए टंडन साहब अपना पूरा जोर लगाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि वो लोगों को सेटिस्फाई करेंगे।